हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं लच्छेदार रबड़ी बनाना बताऊंगी आपको। रबड़ी खाने में सभी को बहुत ही टेस्टी लगती है, तो बताइए ये किस तरह से बनती है। बहुत इजीली मेथड से बन जाती है, तो आइए बनाते हैं। दोस्तों ये 2 लीटर दूध मैंने ले लिया है, इसे मैंने गर्म कर दिया है। 2 लीटर दूध है ये भैंस का, आप चाहें तो पैकेट का भी ले सकते हैं। आने वाले इंग्रीडियंट्स हैं दोस्तों, ये है काजू जिसको मैंने काट के ले लिया, ये है बादाम कतरी जिसको मैंने 1 कटोरी ले लिया, और ये चीनी है 2 किलो दूध में, चाय चम्मच से माने तो ये 8 चम्मच चीनी है जिसको मैंने ले लिया, और ये एक सीक्रेट है दोस्तों, ये है 1/2 कप दही, ये दही मैंने ले लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने इलायची ले ली है। ये इसमें इंग्रेडिएंट्स आएंगे, तो बनाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों ये दूध को मैं गर्म कर रही हूँ, अभी इसको फुल फ्लेम पर ही कर रही हूँ मैं। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम मीडियम पर कर देंगे, इसको हिलाते जाएंगे, नहीं तो दूध नीचे से लग जाएगा। इसकी मलाई को हम एक साइड लगाते जाएंगे। दोस्तों इस स्टेज पर देखिए, इसमें इतनी सारी मलाई आ रही है गाढ़ी गाढ़ी। अब इसको मैं देखिए आप किनारे से लगा देती हूँ, ये देखिए आप इसी तरह से किनारे लगाते जाएं। दोस्तों इसमें ये देखिए मोटी मलाई आ रही है, तो आप इसको कढ़ाई की साइड में लगाते जाएं, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूं इस तरह से लगाते जाएं, और इसमें फिर मलाई आने दें। और इस स्टेज पे मैंने मलाई हटा दी। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ ये देखिए थोड़े से केसर के धागे, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बादाम, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें काजू, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये है चीनी। ये चीनी मैंने डाल दी है इसमें, इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ और मलाई आने देते हैं इसमें, और मलाई को इसी तरह से जब तक 75% हमारा ये दूध रिड्यूस नहीं हो जाता जब तक हम मलाई लगाते रहेंगे एक तरफ, और फिर मैं आगे बताती हूँ। दोस्तों रबड़ी हमारी देखिए ये लच्छेदार बन गई है, इसके सारे लच्छे हम यहाँ से निकाल करके और बीच में डाल देंगे पूरी कढ़ाई के, और इसी के बीच में पहले मैं ये डाल रही हूँ देखिए, ये 1 चम्मच से कम इलायची है, ये लास्ट में डालनी है आपको क्योंकि इसकी खुशबू रहेगी, और ये दही है जो मैं मिला देती हूँ इसमें, ये मैंने 1/2 कप दही लिया था तो इसका 1/2 मैंने मिलाया है। इस स्टेज पर आप दही मिलाएं, दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे मोटे मोटे लच्छे पड़ जाते हैं। अब मैं इसको कढ़ाई को घुमा घुमा के और इसके सारे लच्छे बीच में ले लूंगी। दोस्तों इस रबड़ी को मैं ठंडा करने के लिए एक बाउल में भर लेती हूँ। ये देखिए आप रबड़ी में कैसे मोटे मोटे लच्छे बने हैं। दोस्तों आप भी इसी तरह से बनाए रबड़ी और फिर इसमें भर करके बाउल में, और जब ये ठंडी हो जाए तो फ्रिज में रखें, जब फ्रिज में एकदम चिल्ड हो जाए तो इसको खाने के काम में लें। दोस्तों ये रबड़ी मैंने 2 घंटे फ्रिज में रख दी थी और ये एकदम चिल्ड हो गई है, अब ये खाने के काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी रबड़ी की विधि कैसी लगी? दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।